तो दोस्तों पूरा अपडेट जो है यहाँ पे आज फाइनली निकल के आ गया है। केक कोर ने अपडेट दे दिया हुआ है। आप लोगों के मन में ये सवाल था कि भाई केक कोर को हम लोग जो है डेलीगेट अनडेलीगेट करें कि नहीं, इतना ज़्यादा जो है फीस चार्ज कर रहा है तो क्या करें। पिछली वीडियो में तो मैंने बताया था कि क्या करना है क्या नहीं। आज भाई यहाँ पे देखो बहुत बड़ा अपडेट जो निकल के आया है, यहाँ पे सारा जो है पूरा खुलासा ही हो गया। यहाँ पे केक कोर ने खुद खुलासा कर दिया कि क्या चीज़ें हैं, तो इसको मैं अभी समझा देने वाला हूँ। यहाँ पे बीएससी न्यूज को इन्होंने जो है फ्रॉड बताया हुआ है। बीएससी न्यूज आप सबको पता है कि ये वाला जहाँ से ये अपडेट वगैरह देता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चैट वगैरह भी लीक किया है, पैसे मांग रहे थे ये लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं, तो यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर होता है। क्योंकि दोस्तों जो है 26 या 27 तारीख को, 28 तारीख को जो है लिस्टिंग होने वाला है, उसी से पहले यहाँ पे एक न्यूज आ गई जो आज 23 तारीख है। तो इस न्यूज़ को हमें देखना है क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। और दोस्तों साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाकर के ज्वाइन हो जाइए। न्यू एयर ड्रॉप यहाँ पे शेयर किया हूँ और यहीं पे मिलेगा, तो आज जाकर के इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओवरलाइन एयर ड्रॉप है, तो इसको आप लोग जाकर के क्लिक करके अपना ईमेल आईडी वगैरह साइनअप करके ज्वाइन कर लेना, लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तो देखो भाई बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत बड़ा पूरा इसमें एकदम खुलासा होने वाला है। आप सबके पास कुछ ना कुछ केक को जरूर होगा और असमंजस में भी पड़े होंगे कि आप जो अपना कोड डेलीगेट करें कि नहीं, और ये लिस्ट भी होगा कि नहीं। तो पहले तो यहाँ पे देखिए, ये सब तो पहले वाला है, लेकिन यहाँ पे 7 घंटा पहले का 2 न्यूज आया है, तो यानी केक कोर ने ही कहा है और यहाँ पे अपना कमेंट भी बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यो आवर टोकन इज इशूड ऑन कोर बट वी आर नॉट एफिलिएट विथ कोर डाओ डॉट आर जी, वी नेवर सेड दैट वी आर एफिलिएट इन कोर डाओ। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि कोर के ब्लॉकचेन पे हमारा टोकन जो है इशू है, लॉन्च है, मतलब उसी पे हमारा बना हुआ है, बट हमारा जो है कोर डाओ से कोई एफिलिएट नहीं है। वी नेवर सेट वी आर एफिलिएट, मतलब इन लोगों के साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि कोर का ब्लॉकचेन या किसी भी क्वाइन या किसी भी प्रोजेक्ट का ब्लॉकचेन जो है वो आज़ाद है, उस पर आप बना सकते हैं क्वाइन। यहाँ पे सब लोगों को शंका था कि कोर जो है यहाँ पे ब्लॉक उसके साथ पार्टनरशिप किया है कि नहीं, तो भाई यहाँ पे रिवील हो गया कि नहीं किया है। अब हो सकता है दोस्तों कि कोर डाओ यहाँ पे जो है इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया हो, या फिर इनसे पूछा हो, कांटेक्ट किया हो, क्यों किया हो, क्योंकि दोस्तों स्कैम वाली खबर निकल के आ रही थी, तो कोर डाओ पर भी यहाँ पे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। लोग कोर क्वाइन पे भी जो है बुरा असर डाल रहे थे और उस पर ट्रस्ट नहीं दिखा रहे थे, तो इसलिए शायद से यहाँ से अंदरूनी दबाव आया होगा कोर डाओ की तरफ से। तो यहाँ पे यह न्यूज़ इन्होंने दिया है कि मेरा उससे कोई भी नाता नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से उस पर बनाए हैं और एफिलिएट नहीं है। तो ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। और दूसरी चीज़ देखिए जो मैं बीएससी न्यूज़ की तरफ से बता रहा था, वो क्या है यहाँ पे देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे मतलब बड़ी बुरी जो भी कहें, बुरी क्यों है आगे मैं बताऊंगा। देखिए आफ्टर ऑल यू कैन बर्न, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि क्रिटिकल स्टेज चल रहा है, मैं आप सबको अपडेट देते रहूँगा, ठीक है। आफ्टर ऑल यू कैन बर्न योर केक टोकन बाई ट्रांसफरिंग टू डेड एड्रेस, मतलब आप जो है अपना केक टोकन बर्न कर सकते हैं इस वाले एड्रेस पे ट्रांसफर करके, ठीक है। आर होल्ड योर केक एंड वेटिंग अनटिल, यहाँ पे शायद से ये लोग देखिए गुस्से में है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो इनका क्रिटिसाइज हो गया ना कि फेक है, ये है वो है, तो ये लोग कह रहे हैं कि भैया तुम लोग जो है फेक है, तो अपना जो है ट्रांसफ़र करके इस पे केक कोर को बर्न कर दो, मतलब ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो, या फिर विश्वास हो तो अपना केक कोर को होल्ड करके रखो और वेटिंग करो, कब तक, जजमेंट डे यानी कि 28/9/2023 को, यानी कि 28 तारीख तक 5-6 दिन तक आप लोग वेट करो, फिर देखो उस दिन क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए @BSCNews की इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इफ़ वी यूज टू पे यू फॉर एडवर्टाइजिंग यू वर प्रोबेबली स्टिल पोस्टिंग नाइस थिंग अबाउट अस नाउ। अब यहाँ पे कहा गया है शायद से बीएससी न्यूज इनके बारे में गलत सलत न्यूज वगैरह पोस्ट किया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ केक कोर को, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मुझे 70% इस पर भरोसा नहीं है कोर केक कोर पे, ठीक है। अभी भी मैं कहता हूँ, लास्ट तक भी यही कहूँगा। क्यों कहूँगा, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, ठीक है। हालांकि फिर भी मैं यहाँ पे जो है अपना अनडेलीगेट किया तो 20-25 कोर यहाँ पे लगा के मेरे पास जो है 40,000 कोर मैंने केक कोर कर लिया, क्योंकि आप सब लोगों को दिखाने के लिए मैं यही कहूँगा। देखो भाई, आप लोग जो है अपने मर्जी से अपने रिस्क पे केक कोर को अनडेलीगेट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। एक प्रकार से आईसीयू पीरियड में बाई कर रहे हैं हम लोग कम प्राइस पे, अगर लिस्ट हुआ
तो बेचेंगे तो कुछ थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं बता दिया, तो कहने का मतलब है कि बीएससी न्यूज इनको क्रिटिसाइज किया था, तो ये लोग कह रहे हैं कि बीएससी न्यूज को टैग के बकायदे, यहाँ पे मैं टेलीग्राम का इनका चैट भी दिखाऊंगा, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि अगर बीएससी न्यूज को हम लोग पैसा देते एडवर्टाइजिंग का, मतलब कि न्यूज डालने का, एड करने का, तो ये हमारे बारे में सही छापता, ठीक है। तो रिमेंबर विद इन विथ जस्ट अ लिटिल मनी यू कैन कमांड बीएससी न्यूज डू एनीथिंग, मतलब पैसे के लिए तुम कुछ भी कर लोगे। बीएससी न्यूज को डायरेक्ट टारगेट कर दिया भाई, सोचो। अब यहाँ पे बीएससी न्यूज का जो ऑनर है या जो भी है, यहाँ पे इनको इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से ब्लर कर दूँ, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब का रूल रेगुलेशन है कि आप जो है किसी का पर्सनल चीज़ नहीं दिखा सकते, तो इसको मैं ब्लर कर दूंगा। बट ट्विटर हैंडल का जो लिंक है, मतलब इसके ट्विटर पे आप लोग जाकर के एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, मतलब इनको मेंशन किया इन्होंने। बीएससी न्यूज का यहाँ पे देख लीजिए, ये इसी बीएससी न्यूज को इन्होंने मेंशन किया है, जो पाई नेटवर्क या अलग अलग क्रिप्टो के बारे में लिखता है। 1 मिलियन फॉलोअर हैं इसके बाद। मैं ऑलरेडी कहता हूँ कि बीएससी न्यूज या कोई भी न्यूज हो, वो भाई व्यूज के पीछे, पैसे के पीछे भागेगा, इतना जान लो, ठीक है। कोई भी हो, आप लोग मोदी मीडिया कह रहा हूँ, मतलब मीडिया जितने भी हो देख लो, या फिर कुछ भी हो, सब पैसे के पीछे ये सब छापते हैं। जिस पे ज़्यादा व्यूज आता है उसी पे, अब बिग बॉस का ही देख लो, उस पे व्यूज आ रहा था, लोग उसी के जितने भी कंटेस्टेंट हैं तीनों, उनको लेकर लोग वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आप लोग देखते होंगे कि ट्रेंडिंग में सांग चलता है तो सब लोग व्यूज के पीछे जाते हैं, ठीक है। बट मेरा व्यूज उतना नहीं आता है, फिर भी मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ देता हूँ। मैं भी चाहूँ तो आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूँ कि 5 कॉइन खरीद लो, जीवन बदल जाएगा, ये कर लो वो कर लो, व्यूज मेरे पे भी आएंगे, बट मैं ऐसा कुछ सजेशन नहीं देता। तो जितने भी होशियार समझदार और जानते होंगे, जानकार लोग होंगे, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, और पक्का मैं कहता हूँ कि वो लोग जब भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आके देखते हैं और न्यूज को कलेक्ट करते हैं, और उसी के हिसाब से वो लोग कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, चेकआउट करना। और यहाँ पे वैलेट में भी मैं अपना दिखा दे रहा हूँ टोकन, 45,000 टोकन है। तो अभी यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आई दोस्तों, कि केक कोर जो है अभी गुस्से में है, यानी कि उसको भरोसा है, वो भरोसा दिलाना चाहता है कि हम रियल हैं, ठीक है, मेरे पास 45,000 केक कोर है। बट हो सकता है कि ये भी चालो, कुछ भी हो सकता है भाई, क्रिप्टो है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के पास भी माइंड होगा, अपने प्रकार से करिएगा। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है एक बड़ा यहाँ पे अपडेट दे दिया भाई, बीएससी न्यूज को डायरेक्ट टारगेट कर दिया, तथा कोडाओक से इसका एफिलिएट है कि नहीं ये भी इन्होंने बता दिया। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अभी फिलहाल क्लियर हो गई है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।